दाऊद इब्राहिम पिछले 30 साल से भारत से भागा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां दाऊद के कराची में होने के सबूत पेश करती रही, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रखी है। जबकि सच यही है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दाऊद को अपने यहां रखा हुआ है, बल्कि दाऊद को पुख्ता सुरक्षा भी मुहैया कराई है। दाऊद इब्राहिम बीते 30 वर्षों से भारतीय एजेंसियों से खुद को बचाने में कामयाब रहा है, तो इसकी वजह दाऊद का सुरक्षा घेरा है। भारत के इस मोस्ट वांटेड की सुरक्षा में पाकिस्तान की पुलिस से लेकर आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI तक लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद 24 घंटे 3 सुरक्षा घेरों में रहता है। दाऊद की सुरक्षा में पहला भारी घेरा होता है, जिसमें कराची पुलिस की एलीट कमांडो फोर्स के जवान तैनात होते हैं। दूसरे सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स की होती है। इस सुरक्षा घेरे में पाकिस्तान रेंजर्स की टुकड़ी तैनात होती है। तीसरा सुरक्षा घेरा खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI संभालती है। इस सुरक्षा घेरे में ISI के एजेंट तैनात होते हैं। साथ ही दाऊद इस सुरक्षा घेरे में अपने बेहद करीबी गुर्गों को भी तैनात रखता है। दाऊद के लिए सुरक्षा घेरा सिर्फ उसके किलेनुमा घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भी दाऊद घर से बाहर जाता है इसी सुरक्षा घेरे को फॉलो किया जाता है, क्योंकि दाऊद को हमेशा अपनी जान की फिक्र रहती है। इसीलिए जानकार बताते हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कुछ प्रभावशाली लोगों से ही मिलता है। पाकिस्तान अगर दाऊद को सुरक्षा दे रहा है तो पाकिस्तान ऐसा बेवजह नहीं कर रहा, बल्कि इसके बदले में पाकिस्तान भारत के खिलाफ दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अब ऐसा क्या हुआ कि दाऊद को जहर देने की नौबत आ गई, वो भी ISI एजेंट की कड़ी सुरक्षा में? इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दाऊद को घर का ही कोई शख्स मारना चाहता है? दाऊद को घर में जहर देने वाला कौन है? क्या दाऊद के किसी गुर्गे ने ही जहर दिया है? क्या दाऊद को जहर ISI एजेंट ने दिया है? सोचिए, भारत का जो दुश्मन पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसी के सुरक्षा घेरे में रहता हो, उसे उसी के घर में जहर कौन दे सकता है? इसे लेकर सबसे ज्यादा शक अगर किसी पर किया जा रहा है तो वो है ISI एजेंट्स। द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दाऊद और बाकी आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान सेना दाऊद के नेटवर्क और आतंकियों के जरिए कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाती है। बदले में पाकिस्तान इन आतंकियों को सुरक्षा और धन मुहैया कराता रहा है। बीते कुछ वर्षों से आतंकी कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों को अब जान का खतरा है। इस वजह से पाकिस्तानी सेना और ISI को आतंकियों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, जबकि दाऊद, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान के काम के नहीं रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे में ISI एजेंट ही आतंकी और उनके करीबियों को निपटा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आतंकियों की सुरक्षा और उनके खर्च का बोझ पाकिस्तानी सेना और ISI पर बढ़ता जा रहा है। ISI पर आतंकियों की हत्या कराने और दाऊद को जहर देने के पीछे एक पाकिस्तानी ने भी वजह बताई है, जिस शख्स को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आरिफ अजाकिया हैं, जो कराची के पूर्व मेयर रहे हैं और इन दिनों लंदन में रह रहे हैं। इनका दावा सुनिए। एक एक आदमी की सिक्योरिटी पर अगर 100-100 200-200 आदमी लगाया हुआ है तो इट कॉस्ट हेल ऑफ ए मनी। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना, दर्द है सर। ऊपर से काम के किसी है नहीं, यू नेवर नो कि ISI खुद सफाई कर दे। इस वक्त पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क था ना, जो पूरा जो ISI ने तैयार किया था, वो 14 अगस्त 2021 के बाद से खराब हो गया है, क्योंकि तालिबान इनका सबसे बड़ा हथियार था। तालिबान इनकी नजर में गद्दार हो गए हैं। आरिफ अजाकिया को आपने सुना। इनके मुताबिक आतंकियों को मारने वाले ISI एजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि दाऊद को जहर देकर खत्म करने का प्लान भी ISI एजेंट का ही हो, क्योंकि दाऊद की सुरक्षा में उसके सबसे करीब कोई रहता है तो वो ISI के एजेंट होते हैं। हालांकि इस बार दाऊद को जहर देने की बात सामने आई, लेकिन इससे पहले भी दाऊद की मौत की खबरें सामने आती रही हैं।
5 जून 2020 को कराची से खबर आई कि दाऊद और उसकी पत्नी को कोविड हो गया है। इसके बाद दाऊद के कोरोना वायरस से मौत की खबर फैली। इससे पहले 28 अप्रैल 2017 को दाऊद की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर फैल गई थी। बाद में दाऊद के करीबी छोटा शकील ने दावा किया कि दाऊद पूरी तरह स्वस्थ है। एक बार खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। अब हो सकता है कि जिस तरह करीब 30 आतंकियों को चुन चुनकर खत्म किया गया, उसी तरह अब दाऊद को निपटाने की तैयारी हो, क्योंकि दाऊद को सीधे मारना आसान नहीं है, इसीलिए उसे जहर देकर खत्म करने की कोशिश की गई हो। हालांकि दाऊद को जहर देने और उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर कितनी पुख्ता है अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हो सकता है जैसे पहले दाऊद की मौत की खबरें अफवाह निकली, इस बार भी ऐसा ही हो। Z News.